विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे घन और घनमूल। तो पिछले बार की वीडियो में हमने जाना था वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। उसी प्रकार से आइए अब जानते हैं, एक बार और दोहरा लेते हैं। किसी संख्या को दो बार गुना करने पर जो संख्या आती है उसे वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे दो गुना दो गुना दो बराबर चार, तीन गुना तीन बराबर नौ, चार गुना चार बराबर सोलह। उसी प्रकार किसी संख्या को तीन बार गुना करने पर प्राप्त संख्या घन संख्या कहलाता है। जैसे हम देख लेते हैं, दो गुना दो गुना दो बराबर आठ, तीन गुना तीन गुना तीन बराबर सत्ताईस, चार गुना चार गुना चार बराबर चौंसठ। इस प्रकार दो का घन आठ है, दूसरे शब्दों में आठ का घनमूल दो है। ठीक उसी प्रकार तीन का घन सत्ताईस है, दूसरे शब्दों में सत्ताईस का घनमूल तीन है। और देखेंगे चार का घन चौंसठ है, दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो चौंसठ का घनमूल चार है। घनमूल को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ चिन्ह ध्यान रखेंगे। उदाहरण के लिए 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से 512 का गुणनखंड निकाल लेंगे। पिछली बार हम जैसे वर्गमूल का निकाले थे तो 512 का गुणनखंड हो जाएगा दो गुना 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 दो। इस प्रकार हम क्या कर देंगे, घनमूल तीन बराबर दो गुना दो गुना दो बराबर आठ। अतः 512 का घनमूल आठ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से एक और उदाहरण ध्यान देंगे। जैसे हमारे पास एक संख्या 343, तो उसका हल इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास एक संख्या है 343, तो इसका घनमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एक खड़ी लकीर, फिर अड़ी लकीर। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 343। अब इसको ऐसी संख्या से भाग देना है जो पूरा पूरा विभाजित कर सकते। अगर हम दो से करते हैं तो दो से नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं है इकाई में। तीन से भी नहीं जाएगा क्योंकि चार तीन सात तीन दस, सभी का जो जोड़ है वो तीन नहीं है। चार से भी नहीं जाएगा, पाँच से भी नहीं जाएगा, तो जाएगा किससे, वो सात से। अगर हम सात से करते हैं तो 34 को विभाजित करते हैं तो हो जाएगा वो कितने बार, सात चौके 28, बच गया 6, उसके साथ हो जाएगा 63, सातनिया 63। इस प्रकार हमारे पास प्राप्त हो गया 49। हम जानते हैं अगर हम सात से विभाजित करेंगे तो सात बढ़ जाएगा, और इसको पुनः विभाजित करेंगे हम सात से, सात एकम सात। इस प्रकार हम देखते हैं 343 बराबर सात गुना सात गुना सात। अब यहाँ पे तीनों का क्या बन रहा है, आपस में जोड़ी। घनमूल निकालने में हमको क्या बनाना है, तीन का जोड़ी। तो हम देखते हैं इसका तीन का जोड़ी बन रहा है, इसका मतलब है घनमूल। घनमूल के लिए तीन लगाएंगे, है ना, तो 343 बराबर हो जाएगा सात। अर्थात 343 का जो घनमूल है वह है सात। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम घन और घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो अगले पाठ में हम देखेंगे घातांक। अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नई वीडियो के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।